दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं छंद शास्त्र की और आज हम बात करेंगे इंद्र बज्रा की। इंद्र बज्रा ये छंद ऐसा है, इसके साथ साथ एक छंद और जुड़ा हुआ है और फिर दोनों छंद जुड़ करके तीसरा छंद और बनता है। तो केवल लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे इंद्र बज्रा की, तो आइए चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो हम बात करेंगे दोस्तों आज इंद्र बज्रा छंद की। इंद्र बज्रा छंद बहुत बढ़िया छंद है ना, और बार बार आता है, क्योंकि अब देखो अभी जो छंद है इसमें से आपको खुद को पता लगाना है कि इसमें जो है गण कौन कौन से हैं, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप इन वीडियोस को पूरा देखें। छंद अब आपको पूछेगा तो आप पता कैसे लगाओगे कि इस उदाहरण में छंद कौन सा है, मात्राएं लगाना आ भी गई तो भी गण की जानकारी होनी चाहिए। देखो एक चीज याद रखो कि इन वज्रा में 11 मात्राएं होती हैं, है ना। कितनी मात्राएं होती हैं कुल 11, ठीक। पहली बात तो ये याद रखना। अब इसका लक्षण देखो आप, लक्षण क्या कहता है इसका, लक्षण कहता है कि स्यात् इंद्र बज्रा। इंद्र बज्रा होता है कौन सा होता है, यदि तौ जगौ गए। अब यहां से आप पकड़ो गण कौन कौन से इसमें हैं, ठीक। देखो ये देखो तौ है ना, इसमें से देखो ये लिख रखा है ना, स्यादि इंद्र बज्रा है यदि तौ जगौ गए, ठीक। ये कह रहा है तौ, तौ से मतलब होगा तगण, लेकिन तगण कितने हैं, दो, ठीक है। मात्राएं गिनना बता रहा हूं मैं आपको, देखो तव, तव से मतलब दो मात्राएं हैं, देखो द्विवचन में है तो द्विवचन में है तो तगण कितने होंगे, द्विवचन में ही होंगे ना, दो होंगे। तव जगौ जय, इस जय को लो तो ये एक गण और इसमें जुड़ जाएगा जगण, ठीक है। तीन गण हो गए, तगण तगण जगण। अब अंत में ये जो गौ है ना, ये जो गौ इससे मतलब होता है गुरु। अब देखो गुरु तो है लेकिन वही बात, द्विवचन है ना, गौ द्विवचन है तो द्विवचन का मतलब गुरु कितने होंगे, इसमें दो गुरु होंगे, ठीक है। गुरु कितने होंगे, इसमें दो गुरु होंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो गुरु कितने होंगे इसमें, दो। तो देखो लक्षण घटित करेंगे, स्यादि इंद्र बज्रा, इंद्र बज्रा कौन सा होता है जिसमें तव, यदि तव जगौ गए, यानी तव से मतलब दो तगण, तगण तगण, और एक जगण, जगण हो गया, और दो गुरु होंगे, ठीक। अब देखो मात्राएं तो कितनी बता रहा है, ये 11, तो देखो तीन तीन और तीन, नौ मात्राएं, ठीक है ना। अपन इन पे गणचिन्ह लगाते हैं ना, देखो तगण में गणचिन्ह लगाओ आप, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है ना, ये लगा दिया, फिर ये भी सेम आएगा, जगण में भी सेम आएगा, ठीक है ना। कैसे लगाओगे आप, ये इस वाले सूत्र, ये मा ता रा जय मान, ये सूत्र बताया था ना, इस हिसाब से। तो तीन तीन मात्राएं दूसरी हो सकती है, मैंने आप गिनाया है केवल, एक दो तीन, क्योंकि ये तीन है, एक दो तीन ये तीन है, एक दो तीन ये तीन है, इस तरह मैंने बताया आपको। तो ये तीन 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 कुल मिला के नौ मात्राएं ये हो गई, और दो गुरु हो गई, गुरु भी तो मात्रा है ना। इस प्रकार 9+2=11 मात्राएं इसमें होती है, ठीक है ना, 11 मात्राएं इसमें होती है। अब तगण की अपने मात्रा लगाएंगे तो देखो यहां से पकड़ेंगे इसको, है ना, ये माता, तो तगण में तय पे जब हम इस तरह बनाएंगे ते गे ने, तो तय पे, ठीक है, फिर इसके बाद गण पे, है ना, इस तरह से इसकी मात्राएं अपन लगाते हैं, मैंने आपको मात्राएं लगाना बता रखा है, आप देख लेना पिछले वीडियो में। इंद्र वज्रा में स्यादि इंद्र वज्रा यदि तव जगौ गए, यानी कि तव से तगण तगण, जैसे जगण और गौ से दो गुरु, जहां ये स्थिति हो वहां 11 मात्राएं होती हैं और वो छंद जो है इंद्र वज्रा छंद होता है, ठीक। अब देखो इसके जो यति है, यति यानी कि ठहराव, प्रत्येक चरण के अंत में, है ना, प्रत्येक चरण के अंत में, तो चरण तो चार है तो इसमें यतियां भी चार होंगी कुल, है ना, मैक्सिमम यतियां चार ही होती हैं क्योंकि चरण चार होते हैं। बहुत कम छंद ऐसे हैं जहां जो क्या नाम से आपके ये
चार से कम होते हैं चरण, है ना, ऐसे चरण बहुत कम है। ठीक, अब देखेंगे अपन इसके, आते हैं उदाहरण पे। इंद्रवज्रा का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो माना जाता है शकुंतलम का। जब शकुंतला विदा होती है और अपने ससुराल जाती है तो वहां एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, कौन सा, कि अर्थो ही कन्या पर किए, है ना, अर्थो ही कन्या पर किए, ठीक है, अर्थो ही कन्या पर किए, ठीक। इसको ऐसे लिखो आप उदाहरण के लिए, अर्थो ही कन्या, ठीक, अर्थो ही कन्या पर किए, ये उदाहरण जो है संस्कृत का सबसे बढ़िया उदाहरण इंद्रवज्रा छंद का है और ये बार बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। अर्थो ही कन्या पर किए एव, इसका एक उदाहरण हो गया, ठीक, इसको पूरा रख लेना। तामन संप्रेष्य परिक ऋतु जातो मामा व्यस्त कृकामम, है ना, प्रत्यांपित नार इवंत इवंतरात्मा आत्मा, ये इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण इसका गोष्ठ ग्रीम सव्य करने, गोष्ठ ग्रीम, ठीक है, उदाहरण कोई सा भी हो आप ही को याद करना है जो आपको सरल लगे, मैं केवल यहां एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं, ठीक। मेन चीज लक्षण होती है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, मात्राएं लगाने भी आपको मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग हैं, तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।